अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED BTC तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पेपर की दृष्टि से जो भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज आज आप पार्ट टू देखेंगे, और इसके बाद दोस्तों आप 25 में 25 नंबर कैसे ला सकते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, पार्ट वन और पार्ट थ्री देखना है, तो आपका पूरा दोस्तों सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट्स को लेकर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो रेड कलर की बटन, उसको हल्का सा टच कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए आपके अति लघुतरी प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका क्या रहा दोस्तों, सूचना क्या है। देखिए सूचना का तात्पर्य उस बहुयामी, ठीक है, बहुआयामी जानकारी से जो प्रत्येक व्यक्ति विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका क्या, संचार क्या है। देखिए संचार का अर्थ होता है आपका मानवीय तथ्यों एवं विचारों के पारस्परिक विनिमय से, न कि टेलीफोन, तार, टेलीविजन, रेडियो आदि तकनीकों के साधनों से, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है ये बताना है। आज के प्रतिस्पर्धा, ठीक दोस्तों, युग में स्वयं के भावों, संदेशों, सूचनाओं तथा विचारों को शीघ्र अतिशीघ्र दूसरों तक प्रेषित करने की प्रक्रिया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों सूचना को आपको परिभाषित करना है। तो डॉक्टर विनीता गुप्ता के अनुसार सूचना का अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम में लाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा सूचना का कोई एक गुण आपको बताना है। संक्षिप्तता सूचना का एक महत्वपूर्ण गुण है, कोई भी सूचना विस्तारित न होकर अनिवार्य रूप से संक्षिप्त ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है। संचार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार के प्रमुख बाधाएं कौन कौन थी ये बताना है। तो संचार के प्रमुख बाधाएं आपके चार प्रकार की, भौतिक हो गई दोस्तों, व्यक्तिगत व सामाजिक, भाषा संबंधी और संगठनात्मक, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न दोस्तों विद्यालय प्रबंध में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं दो क्षेत्रों का आपको उल्लेख करना है। तो दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियंत्रण की आवश्यकता सुनिश्चित रख करना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है ये बताना। प्रौद्योगिकी या तकनीकी का तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन उपयोगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों इंटरनेट हो जाएगा, वीडियो डिस्क हो जाएगा, दूरदर्शन, रेडियो, विभिन्न उपग्रह। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं दो क्षेत्रों का हमें उल्लेख करना है। तो दोस्तों पहला हो जाएगा शैक्षिक नीति निर्धारण में, दूसरा शैक्षिक सूचना संवाहन में। अगला प्रश्न क्या रहा, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक विधि है जो आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें अर्थपूर्ण बनाता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न क्या, कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटरेस। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई। तो दोस्तों हो जाएगा टेक्निकोस। इसको याद रखना, स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिएगा। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो दोस्तों 1969 से। इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन थे दोस्तों ये बता रहा है। तो दोस्तों जैसे आपका टेलीफोन, मॉडम, नेटवर्क, उपग्रह, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क। फिर इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन थी ये आपको बताना। तो दोस्तों जैसे आपका ईमेल हो गया, इंटरनेट, रिले चैट, टेलनेट आदि। इंटरनेट की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। इंटरनेट का एक कार्य आपको बताना है। तो दोस्तों विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित प्राप्त करना। ईमेल क्या है। तो दोस्तों देखिए ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आता है डाक, मेल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना। फिर अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, एफटीपी का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी हां दोस्तों, इसका बोला गया था एफटीपी। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर हमारा आज का अगला प्रश्न क्या रहा, इंटरनेट रिले चैट क्या है। तो दोस्तों इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। फिर शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं दो वेबसाइटों का नाम बताइए। तो दोस्तों ये आपकी दो वेबसाइट है, एक www.ncert.com, dbrauac.in, ठीक है ना। फिर अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, विकिपीडिया क्या है। यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्टि जानकारी से जोड़ा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है, मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नाम उल्लेख करें। तो दोस्तों जैसे आपका ई बुक्स हो जाएगा, वेब पोर्टल हो जाएगा। ई बुक्स क्या ये बताइए, वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या, वेब पोर्टल क्या है।
वेब पोर्टल एक प्रकार से संबंध पेज है जिसे विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। अगला प्रश्न, विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, ये बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रिले चैट। अब सीडी क्या होती है, तो आपके घर में दोस्तों पहले सीडी आती होगी ना, टीवी जैसे मूवी देखते होंगे जिसमें आप लोग गाने वाने सुनते होंगे। यह प्लास्टिक से निर्मित एक छोटी सी गोल डिस्क होती है जिस पर एल्यूमिनियम जैसी उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत चढ़ी रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों, डीवीडी का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, क्या सीडी तथा डीवीडी किस प्रकार कार्य करती है, ये बताना है। सीडी और डीवीडी दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती है और डेटा को डिकोड करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करती है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या, यूट्यूब क्या है। तो दोस्तों हो सकता है इस समय हमारी वीडियो आप यूट्यूब पर ही देख रहे हो। तो यह एक वीडियो वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों, ठीक है दोस्तों, यथा मनोरंजन, संगीत, समाचार, शैक्षिक, अधिगम, सामग्री से संबंधित प्राचीन एवं वर्तमान तिथि विशेष को देख सकता है तथा डाउनलोड भी कर सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डिजिटल श्यामपट क्या होता है। तो डिजिटल श्यामपट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जाता है। फिर अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है। इस यंत्र का निर्माण उत्तल तथा अवतल लेंस के सहयोग से बनाया जाता है। इसमें स्लाइडों को एक प्रक्षेपी बल्ब जिसमें हेलोजन गैस भरी रहती है जो दूधिया प्रकाश देती है, क्रमशः लगाई गई स्लाइडों को स्वतः एक एक करके किसी रिमोट कंट्रोल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रोजेक्टर को बिजली की सहायता से चलाया जाता है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं, ये बताइए। तो दोस्तों इसका जैसे आपका पहला कैबिनेट हो गया, प्रोजेक्शन लेंस हो गया, ठंडा करने की व्यवस्था, फोक्स व्यवस्था और एपिडायस्कोप। अब अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या रहा, ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताना। दोस्तों ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। और फिर ई प्रयोगशाला क्या है, दोस्तों देखिए ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उसके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रयोग के चित्र उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा क्या, ये बताएं। देखिए दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक विभिन्न स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार के उन विद्यार्थियों के लिए दोस्तों जो शिक्षक के निरंतर तथा शीघ्र निरीक्षण में कक्षाओं में ही नहीं होते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु जो किसी प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं के नियोजन, निर्देशन तथा शिक्षण से कम लाभ प्रदान नहीं करते। अगला प्रश्न दोस्तों क्या, दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताना है। देखिए आपका यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। फिर दोस्तों क्या है, एजुसेट क्या है। एजुसेट एक आपका शैक्षणिक उपग्रह है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं तो गलती हो सकती है पेपर में कि एजुसेट क्या है आपका, ये क्या है, एक शैक्षणिक उपग्रह। अगला प्रश्न दोस्तों, एजुसेट की स्थापना कब की गई। तो इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया है। एजुसेट का अन्य दूसरा नाम बताए दोस्तों, इसका आंसर है जीसेट 3। प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से प्रारंभ किया दोस्तों, तो 23 नवंबर 1977 से। प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधित सेवाएं कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रेडियो सेवा मध्य ज्ञानवाणी स्टेशन, दूरदर्शन सेवा में दोस्तों दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। हमारा अगला प्रश्न क्या आ रहा है, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा वर्ष 2000 में। तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ईटीवी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है, शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना। फिर अगला प्रश्न, मूक क्या है, MOOC, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम हिंदी में। ज्ञान दर्शन चैनल क्या है, तो ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का एक शैक्षिक चैनल है जिसके कार्यक्रमों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार, इग्नू तथा शैक्षिक संस्थानों का संयुक्त प्रयास से होता है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है, शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र कौन कौन से, तो परिवार के अनुदेशन, विद्यालय अनुदेशन, सामाजिक सुधार आदि। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता आपको बतानी है। किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदाय तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन होता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर meritnation.com, ठीक है ना। तो ऑनलाइन दोस्तों अगर परीक्षा संबंधी अगर आपको किसी एक वेबसाइट का चाहिए, तो हमारी वेबसाइट खुद की भी है। तो हमारी दोस्तों क्या वेबसाइट है, स्पेलिंग DELED, DELED,
SULT.com। तो दोस्तों आप लोग अपनी खुद की वेबसाइट में आइए ना, ये सब हमारी वेबसाइट से है। तो स्पेलिंग याद रखिएगा DLEDResult.com। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, ई ट्यूशन क्या होता है? जब किसी छात्र द्वारा किसी विशेष ठीक है विषय विशेषज्ञ से ईमेल, फेसबुक या किसी अन्य वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दोस्तों ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों इसे यह प्रक्रिया आपकी ई ट्यूशन कहलाती है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला हो जाएगा fresherworld.com, दूसरा naukri.com, monster.com आदि। फिर दूरदर्शन का एक गुण बताना है, देखिए इसके प्रति ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा आपका प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, दूरदर्शन का एक दोष बताना है, तो इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं मिल पाता। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कुछ ऑफिस कार्य संबंधित सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो दोस्तों जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि कार्यालय में एमएस वर्ड का एक कार्य आपको बताना है। तो दोस्तों कार्यालय पत्र तैयार करना, ठीक है दोस्तों कार्यालय पत्र तैयार करना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों एक वर्कशीट में आपका 16,384 कॉलम व रो की संख्या दोस्तों कुछ बहुत ही ज्यादा होती है, 10,48,576 रो होते हैं। फिर एमएस पावर पॉइंट क्या है, तो दोस्तों एक आपका ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जी हाँ दोस्तों, जब कभी आप पीपीटी देते होंगे तो वहां पर इसका यूज किया जाता है पावर पॉइंट का। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट की एक विशेषता आपको बतानी है, तो मुख्य बिंदुओं को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फिर एमएस एक्सेल का मुख्य कार्य आपको बताना है, तो डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना। एमएस वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, तो दोस्तों इसमें 9 मेन्यू होते हैं, 9। फिर एमएस वर्ड कैसा प्रोग्राम, तो दोस्तों आपका ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर दोस्तों पैकेजेस का क्या अर्थ होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित करने में जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करती है वह पैकेजेस कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, हमारा पैकेजेस के प्रकार आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपके 4 प्रकार के हैं, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज और डाटाबेस आदि। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, एमएस आउटलुक क्या है, यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है, ठीक है ना। फिर दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताना है। दोस्तों देखिए इस व्यवस्था की प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होने की समस्या बनी रहती है। फिर अगला क्वेश्चन, हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक लाभ बताइए, यह माध्यम विविध अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर क्या है, एक एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। रोम का पूरा नाम दोस्तों आपको लिखना है, इसका अंतर होगा रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम बताइए दोस्तों, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न हमारे, इस प्रति क्या है, कंप्यूटर में किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति स्मृति कहलाती है। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 3 प्रकार, लैन, वैन और मैन। फिर संचार किसे कहते हैं, संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचना है, ठीक है। फिर प्रोटोकॉल क्या होता है ये बताइए दोस्तों, देखिए ये सब क्वेश्चन आप आपके डीएलएड 2016 में आ चुके हैं, मतलब पेपर में आ चुके हैं आपके ऐसे प्रश्न। तो प्रोटोकॉल नियमों एवं निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वर का क्या अर्थ है, तो सर्वर सेवको या क्लाइंट कंप्यूटर का नेटवर्क है जो सेवको को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या, फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है, तो दोस्तों देखिए फुल ड्यूप्लेक्स से तात्पर्य सूचना के एक साथ, ठीक है, सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से। फिर अगला प्रश्न, सर्च इंजन क्या करता है, तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज का डाटा प्रदान करता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों क्या है हमारा, DBMS का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर आपको सबको पता, चार्ल्स बेबेज ने। तो एक नंबर दोस्तों फ्री में आपको पूछा गया था डीएलएड 2017 के पेपर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है ये बताइए, तो देखिए आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व है, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से है। अगर
आज कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाना जानता है तो वह अपने बिजनेस रोजगार को काफी हद तक फैला सकता है। आज गणना का कार्य सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से ही संभव है। इंटरनेट की दुनिया से जुड़कर संसार में किसी से भी संपर्क कर सकता है। आज व्यापार में जितनी गति से प्रगति हो रही है वो कंप्यूटर से ही आपका संभव है। अगला प्रश्न, सूचना के कोई दो गुणों के नाम बताना है। तो सूचना में दोस्तों निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला आपका दोस्तों अर्थपूर्णता, विस्मयकारी तत्व, पूर्व जानकारी से सहमति, पूर्व जानकारी में सुधार, संक्षिप्तता, शुद्धता या यथार्थता, समयबद्धता, कार्य संपादन में सहायक। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ? तो दोस्तों 15 अगस्त 1995 लगभग से। इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से? तो दोस्तों इंटरनेट के चलिए भाग देखते हैं। मुख्य सूचना कंप्यूटर, टेलीफोन, मोडम, नेटवर्क, उपग्रह, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क आदि। फिर दोस्तों हैकर्स क्या है, इसको लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा कि आपके पेपर में भी ये रिपीट हो सकता है। तो सामान्य प्रयोग में कोई हैकर एक ऐसा व्यक्ति है जो सामान्यतः प्रशासकीय नियंत्रणों तक अभिगम प्राप्त करके कंप्यूटरों के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। हैकर्स के आसपास जो उप संस्कृति विकसित हुई है अक्सर उसका उल्लेख कंप्यूटर अंडरग्राउंड के रूप में किया जाता है। दावा किया जाता है कि ये विचारक कलात्मक या राजनीतिक कारणों से प्रेरित होते हैं और अक्सर उनकी प्राप्ति के लिए अवैध मानव माध्यमों के प्रयोग के प्रति बेपरवाह होते हैं। फिर अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम आपको लिखने हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके 4 युक्तियां कौन से। पहले आपका टेलीफोन हो गया, मॉडम, केबल नेटवर्क, कंप्यूटर आदि। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका मॉडम क्या है, इसको लिखना है। मॉडम क्या होता है, देखिए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप आपका दोस्तों है। यह एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जो किसी आंकिक डिजिटल सूचनाओं को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है और एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे दोस्तों मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम में ट्रांसमिशन मीडिया और आंकिक मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न क्या, गेटवे से क्या तात्पर्य होता है, इसको लिखना है। तो एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क नोड दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जो ठीक है के साथ इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यूआरएल का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या अंग्रेजी में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कैसे आ सकता है पेपर में, WLL का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों WLL का पूरा नाम वायरलेस एक्सेस लोकल लूप है, इसको ध्यान में रखना है। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन है? तो दोस्तों उपग्रह हो गया, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, दूरदर्शन, रेडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है दोस्तों, टेली टेक्स्टर, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल इत्यादि। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रौद्योगिकी या तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियां। मैकग्रेथ के अनुसार शिक्षण तथा अनुदेशन में आव्यूह प्रति प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना जिसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ पुस्तक अत्यधिक प्रभावशाली हो सके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से ये बताना है। इसके चलिए अंग देखते हैं, कंप्यूटर डेटा हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के व्यक्ति, गाइडलाइंस एवं विधियां। फिर हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या, सर्च इंजन क्या, इसको बताना है। देखिए सर्च इंजन, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन लाते हैं जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ कर निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्राय एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। प्रमुख सर्च इंजन दोस्तों आपका गूगल, याहू, बिंग इत्यादि। गूगल का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या, इसको देखते हैं, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। देखिए शैक्षिक रेडियो क्या है, शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका अध्ययन करना चाहिए। इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों की सूची तथा दैनिक समय सारिणी आदि सम्मिलित होती है। रेडियो प्रसारण सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए। अगला प्रश्न, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार है? दोस्तों ये बताना, तो आपको इसके 3 प्रकार हैं, दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग और दोस्तों कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों टेली कॉन्फ्रेंसिंग के विकारों के मतलब प्रकारों के नाम बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपका ऑडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, कॉन्फ्रेंसिंग और फोन कॉन्फ्रेंसिंग। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा, स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं? स्मार्ट क्लास मतलब स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। अब कक्षाओं में छात्रों की पढ़ाई पहले से ज्यादा सुविधाजनक और हाईटेक हो गई है।
देश के कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह दोस्तों प्रोजेक्टर्स, टीचर के साथ में चौक की जगह दोस्तों स्टाइलिश डिवाइस और बच्चों के हाथ में पेन पेंसिल की जगह दोस्तों रिमोट कंट्रोल आ चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, क्या वेब पेज से आप क्या समझते हैं ये बताना है। देखिए दोस्तों, जाल पृष्ठ या वेब पेज एक तरह का पन्ना या दस्तावेज है जिसे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के वेब पेज पन्नों में वेब कड़ियों का उपयोग किया जाता है जिससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या किसी दूसरी वेबसाइट में भी दोस्तों लाया जा सकता है, ठीक है, जाया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल में इन वेब पन्नों को देखने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप कोई भी वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम हो गया, या कोई भी दोस्तों वेब ब्राउजर का आप यूज करते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को समाप्त होते ही आप लोग तुरंत इसकी वीडियो सीरीज के पार्ट 1 जरूर देखिएगा और पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप ये दो पार्ट और नहीं देखेंगे तब तक आप पेपर में 25 स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए, आपको पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।